Welcome to guys. Today I will discuss carbohydrate. I will explain classification of carbohydrate and structure of monosaccharide. So let's start carbohydrates. It is a biopolymer monomeric unit joined by the glycosidic bond. Carbohydrate एक biopolymer है, ठीक? और इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। इट इज बायो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो 2:1। यह एक मतलब बायो मॉलिक्यूल है, इसमें कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक, इनसे मिलकर बना होता है, जिसमें जो रेशो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो 2:1 है। जैसे वाटर का होता है H2O, ठीक इस तरह से इसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, हम शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। इट कंटेन केमिकली टू मेन फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। दूसरा क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसको कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाई इनटू 4 टाइप। कौन कौन से यहाँ पर हैं? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ये चार तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो मोनोसैकेराइड्स ये एक मोनोमर है। कार्बोहाइड्रेट क्या है मतलब ये मोनोमेरिक यूनिट है, ये मोनोमर्स कहलाते हैं, जो कि ग्लूकोज है, एग्जांपल में ग्लूकोज फ्रक्टोज एटसेट्रा, मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स एग्जांपल जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज, ये क्या है डाइसैकेराइड है, मतलब दो इसमें मोनोमर मोनोमर के दो मॉलिक्यूल दो मोनोमेरिक यूनिट आपस में ज्वाइंट रहते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओलिगोसैकेराइड है ना मोर देन टू मोनोमेरिक यूनिट, मतलब इसमें दो से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट आपस में ज्वाइंट रहते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पॉलीसैकेराइड मोर देन 7, राइट, 7 से ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या है मोनोमर यूनिट है तो क्या कहलाता है पॉलीसैकेराइड। ये सब मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा आगे वाले लेक्चर्स में, वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इट इज मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब कि मोनोमर, जैसे हमारे बॉडी का यूनिट क्या होता है कोशिका होता है सेल होता है, ठीक, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है मोनोसैकेराइड। And it cannot be hydrolyzed into simpler sugar. यदि इसको हम क्या करें जल अपघटन करते हैं, hydrolyze करते हैं, तो यह अपने simpler sugar में hydrolyze नहीं होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। Monosaccharides are classified based on the carbonyl group named as aldose sugar, ketose sugar. यहाँ पर मैंने क्या बता रहा हूँ कि जो monosaccharide है इसको classified किया गया है कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर। तो एक है एल्डोस शुगर जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और एक है कीटोस शुगर जिसमें कि कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक, कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहता है। और यदि हम बात करें मोनोसैकेराइड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यदि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर इसको क्लासिफाइड करें तो ट्रायल शुगर जिसमें कि तीन कार्बन एटम रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं, टेट्रोस शुगर जिसमें कि 4 कार्बन एटम होता है, पेंटोस शुगर जिसमें कि 5 कार्बन एटम होता है, एंड हेक्सोस शुगर जिसमें कि 6 कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। एंड मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एल्डिहाइड ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पर दोनों की बात किया गया है, हम एल्डिहाइड ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो क्या नाम है एल्डोट्रायोस, ये है एल्डोट्रायोस का मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके पास वहां मतलब तीन कार्बन वाला है जो शुगर है, ठीक है, वो क्या है तीन कार्बन वाला है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डोटेट्रोज एल्डिहाइड प्रेजेंट है एंड 4 कार्बन वाला शुगर है, एल्डोपेंटोज 5 कार्बन वाला शुगर एंड एल्डिहाइड प्रेजेंट है। फोर्थ नंबर क्या है एल्डोहेक्सोस,
एल्डिहाइड है और 6 कार्बन वाला सुगर है ये। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ इन सभी में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। मोनोसैकेराइड्स आर क्रश बट बेस्ड ऑन द कीटोन एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, की कीटोन ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। कीटो ट्रायज कीटोन ग्रुप है और 3 कार्बन एटम है। कीटो टेट्रोज मतलब कीटोन ग्रुप एंड 4 कार्बन एटम। कीटो पेंटोज कीटोन ग्रुप एंड 5 कार्बन एटम। कीटो हेक्सोस कीटोन ग्रुप एंड 6 कार्बन एटम। तो ये मैं वन बाय वन सब में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा किसको क्या बोलते हैं, है ना, क्या नाम है। ये मोनोसैकेराइड्स एंड यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अल्डोज सुगर। ठीक है, तो सबसे सिंपल 3 कार्बन वाला जो इसका नाम है वो है डी ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाला है। ठीक है, ये नाम है इसका ग्लिसरल्डिहाइड। ये देखो यहाँ पर ये है एल्डिहाइड ग्रुप, सी एच ओ क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। 1 कार्बन ये, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, टॉप में एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट नंबर कार्बन, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड कार्बन ये है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये 3 कार्बन वाला, तो इसको मैंने बोला है क्या, ये है एल्डो ट्रायोज। क्या है, एल्डो ट्रायोज डी। और डी कहां से आता है, डी का नाम कहां से आया है, डी आता है 1 2 3 सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कौन कहलाएगा, 1 2 3, ये 2 नंबर कार्बन कहलाएगा सेकंड लास्ट। यदि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यदि ये राइट साइड में है तो वो डी कहलाता है, और यही वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि लेफ्ट साइड में रहेगा तो वो एल कहलाता है, एल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसका सेकंड लास्ट कार्बन यदि नीचे से देखें तो सेकंड लास्ट कौन है, ये वाला 1 2 3, 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन में OH कहाँ है, राइट साइड में है, इसको बोला गया है डी, डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब इस डी ग्लिसरल्डिहाइड से दो शुगर बनते हैं, यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड बनते हैं जिनका नाम है डी इरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज। हम किस तरह से इसका मतलब यहाँ पर बनता कैसे है, है ना, स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं, जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के बीच में एक न्यू कार्बन को इंसर्ट करते हैं, न्यू कार्बन यहाँ पर बनाते हैं, न्यू कार्बन यहाँ पर तैयार होता है। ये है डी इरिथ्रोज। यहाँ पर ये जो रेड कलर का है ये वाला, ये पूरा ये क्या है, ये नया कार्बन आया है, न्यू कार्बन है। ये कहां पर आकर इंसर्ट हुआ है, सी एच ओ एंड ये कार्बन के बीच में ये, तो ये नीचे से जो है ये सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नया कार्बन है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ओ एच क्या है, राइट साइड में है। ठीक है, ये डी इरिथ्रोज है, और ये क्या है, यहां पर जो नया कार्बन इंसर्ट हुआ है इसमें जो ओ एच है वो कहां है, लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड वाला क्या है, डी थ्रियोज एंड राइट साइड वाला क्या है, डी इरिथ्रोज। तो डी तो कांस्टेंट है, मतलब डी फिक्स है, डी का मतलब यह है कि ये सेकंड लास्ट कार्बन में जो हाइड्रोक्सी है वो कहां है, राइट में है। और इस वाले फिगर में भी देखिए, सेकंड लास्ट जो कार्बन है इसका जो हाइड्रोक्सी कहां है, राइट में है, इसलिए ये क्या है, डी है, और ये भी डी है। सिर्फ अंतर कहां आ गया है, डिफरेंट क्या है इन दोनों के स्ट्रक्चर में, कि यहां से अब देखें इसमें नंबरिंग करें हम तो 1 2 2 नंबर कार्बन में जो हाइड्रोक्सी है एक राइट साइड में है और इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में है। इनका नाम अलग अलग हो गया है, क्या नाम है, डी इरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज। ये कहां से बना, डी ग्लिसरल्डिहाइड से हम इसको मतलब फॉर्मेशन कर सकते हैं, डी इरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज। ठीक, तो ये दोनों को हम बोलते हैं अल्डो टेट्रोज। अल्डो टेट्रोज क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है और इसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप एंड इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये कहलाया क्या, एल्डो टेट्रोज। नेक्स्ट, अब ग्लिसरल्डिहाइड से दो बना, तो ये जो है इन से भी दो मोनोसैकेराइड का निर्माण होगा, डी इरिथ्रोज है, डी इरिथ्रोज से क्या क्या बना, डी राइबोज एंड डी अर्बिनोज। अब यहां पर फिर किस तरह से बनाएंगे, जो सी एच ओ है और ये
ऊपर से दो कार्बन के बीच में एक नया कार्बन को इंसर्ट करना है, नया कार्बन यहां पर बनाना है, यानी कि वन और टू है डी इरिथ्रोज में, वन और टू कार्बन के बीच में एक नया कार्बन लाना है। ये देखिए नीचे से सेम रहेगा, जो भी है सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ नया कार्बन, ये लाल कलर का मैंने बनाया है, ये क्या है नया कार्बन है, दिस इज अ न्यू कार्बन। इस न्यू कार्बन में ओएच कहाँ है, राइट साइड में है, ठीक है। और इसमें देखिए न्यू कार्बन में ओएच कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, इसका नाम क्या है डी अर्बिनोज, एंड इसका नाम है डी अर्बिनोज। डी तो सेम है क्योंकि डी सेकंड लास्ट कार्बन का राइट साइड में ही है, इसमें भी देखिए सेकंड लास्ट कार्बन का डी कहाँ है, ए ओएच कहाँ है, राइट साइड में है, इसलिए दोनों क्या है डी है। तो डी तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि यहां से चलता आ रहा है, डी ग्लिसराइड लिए हैं तो डी चलता आएगा, यदि यहाँ पर क्या लेते एल लेते तो एल बनते चला जाता। तो नीचे से जाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, सेम कार्बन मिलेंगे, उनकी पोजीशन उनकी हाइड्रोक्सी ग्रुप सिमिलर मिलेगा, सिर्फ नया क्या है कि ऊपर से जो वन और टू कार्बन होता है उनके बीच में एक नया कार्बन हम बनाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये डी थ्रियोज है, इससे भी क्या बना, दो कार्बन बना, कौन कौन, डी जेलोस एंड डी लैक्सोस। डी जेलोस में क्या है, ये जो डी थ्रियोज था इसके वन और टू कार्बन के बीच में एक नया कार्बन है, ये है न्यू कार्बन, ये है नया कार्बन, तो ये राइट साइड में है, और यहाँ ओएच कहाँ है, इस कार्बन में ओएच है लेफ्ट साइड में है, बाकी सब कुछ सेम है थ्रियोज के ही जैसे। इन दोनों का नाम है, इसका नाम है डी जेलोज एंड इसका नाम है डी लैक्सोज, और डी तो फिक्स है क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन में जो ओएच है वो राइट साइड में ही है, इसलिए डी ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट डी राइबोज, अब यहाँ क्या हुआ, पहले क्या था, तीन कार्बन से चार कार्बन वाला बना, चार कार्बन से पांच कार्बन वाला बना, तो ये जब पांच कार्बन हो गया, अब पांच कार्बन से क्या बनेगा, छह कार्बन वाला मोनोसैकेराइड बनेगा। तो डी राइबोज से यदि हम जाते हैं तो क्या होता है, डी राइबोज से क्या क्या बना, अलोज एंड अरिबिनोज बन रहा है, अलोज एंड अरिबिनोज। कैसे बनाना है, ये जो सी एच ओ है राइबोज का सी एच ओ एंड ये वाली वन और टू ऊपर से जाएंगे तो वन टू कार्बन के बीच में एक नया कार्बन को इंसर्ट करना, ये है न्यू कार्बन है, ये नया कार्बन है, और बाकी सब कुछ राइबोज के ही जैसे है, सब कुछ सेम है राइबोज जैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या करना है, सी एच ओ एंड ये वन और टू कार्बन के बीच में न्यू कार्बन इंसर्ट करना है, ये नया कार्बन यहाँ पर इंसर्ट हुआ है, यहाँ पर ओएच क्या है राइट साइड में है, और इस ये क्या है अल्ट्रोज, इस अल्ट्रोज में नया कार्बन में जो इंसर्ट हुआ है उसका हाइड्रोक्सी कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, बस यही है डी अलोज एंड डी अल्ट्रोज, और सब कुछ क्या है राइबोज की जैसे पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। एंड अरिबिनोज से दो मोनोसैकेराइड बनते हैं, क्या नाम है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, ठीक। पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर जो सी एच ओ है एंड ये कार्बन है अरिबिनोज में, वन और टू कार्बन के बीच में न्यू कार्बन इंसर्ट हुआ है, ये भी ये राइट साइड में ओएच है इसमें, और इसमें जो ओएच कहाँ है लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हुआ, इनका नाम इसका है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, और डी तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड लास्ट कार्बन में ओएच क्या है राइट साइड में है, तो ये बताता है कि डी है कि एल है, यदि राइट साइड में है सेकंड लास्ट कार्बन में ओएच तो क्या है डी है, ठीक है, तो ये सब डी है वाले हैं, ओएच कहाँ है राइट साइड में है डी है। फिर इस तरह से डी जेलोज है, इसके भी दो मोनोसैकेराइड बनते हैं, क्या क्या है, ग्लूलोज एंड आइडोज, ग्लूलोज एंड आइडोज। तो कैसे बनाना है, जेलोज में वन टू कार्बन के बीच में एक नया कार्बन ले आओ, ठीक है, ये है नया, एक में रखो राइट साइड में ओएच और एक में रखो लेफ्ट साइड में ओएच, दोनों का नाम अलग अलग हो गया डी ग्लूलोज एंड डी आयोडोज, और सब कुछ सेम है, डी तो चेंज होगा नहीं, सेकंड लास्ट ओएच सिमिलर है, राइट साइड में ही है, नो चेंजेस, ठीक है। ठीक इस तरह से डी लैक्सोस, इसमें भी क्या बन रहा है, दो मोनोसैकेराइड है, क्या क्या नाम है, डी गैलेक्टोज एंड डी टैलोज, डी गैलेक्टोज डी टैलोज, ठीक इस तरह से इसमें भी क्या है, ये नया कार्बन बीच में आ चुका है, ये है न्यू कार्बन इंसर्ट हुआ यहाँ पर, ये क्या है डी लैक्सोस में न्यू कार्बन इंसर्ट कर दो, वन टू कार्बन के बीच में नया कार्बन है ओएच राइट साइड में, क्या नाम है इसका गैलेक्टोज, और इसमें देखो नया कार्बन जो आया है उसका ओएच कहाँ है लेफ्ट साइड में है, तो ये हो गया डी टैलोज, राइट। तो इस तरह से ये है अल्डोज सुगर, तो कितने इसमें बन गए डी के, एक,
तीन कार्बन वाला। तो ये जो था ये क्या एल्डो पेंटोज, ये कितने कार्बन वाला है, पांच कार्बन वाला, और ये है एल्डो हेक्सोस छह कार्बन वाले। ठीक है, तो तीन कार्बन वाले सुगर एक ही है, ग्लिसरल्डिहाइड है। एल्डो टेट्रोज कितने हैं, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। एल्डो पेंटोज कितने हैं, चार है, राइबोज अरबिनोज एंड जेलोज लक्सोज। और एल्डो हेक्सोस कितने हैं, आठ है, कौन कौन से, एलोज अल्ट्रोज ग्लूलोज मैनोज ग्लूलोज है ना, आयोडोज गैलेक्टोज एंड टेलोज। तो ग्लूकोज कहाँ से आया है, अरबिनोज से, अरबिनोज स्ट्रक्चर से ग्लूकोज एंड मैनोज बना है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अल्डोज सुगर। अब हम बात कर लेते हैं कीटो सुगर की। कीटो सुगर का तीन कार्बन वाला है, क्या नाम है इसका, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सबसे सिंपल सुगर कौन सा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यह है कीटो ट्रायोज। कीटो क्योंकि इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए बोला हमें, क्या बोला हूं, ये कीटोन ग्रुप है ना, इसलिए इसका नाम कीटो ट्रायोज, मतलब तीन कार्बन, कीटोन भी है और ट्रायोज तीन कार्बन, वन टू थ्री ऊपर से, चलो वन टू थ्री तीन कार्बन हो गया। अब इससे क्या बनता है, चार कार्बन वाला सुगर, इसका नाम है डी इरिथ्रुलोज, इसको हम बोलेंगे कीटो टेट्रोज। क्यों कीटो टेट्रोज, क्योंकि इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप भी है और चार कार्बन है, वन टू थ्री फोर। ठीक, और यह डी क्यों डी है, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन जो है, सेकेंड लास्ट कार्बन में OH राइट साइड में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डी, और ये है डी इरिथ्रुलोज। यदि लेफ्ट साइड होता तो बोलते क्या, हम एल बोलते इसको। डी इरिथ्रुलोज से दो मोनोसैकेराइड बना, कौन कौन से, डी राइबुलोज एंड डी जेलुलोज। कैसे बनेगा, ये जो कीटोन है, कीटोन, और अब यहां पर कैसे बनाना है, वन टू थ्री, और टू थ्री कार्बन के बीच में नया कार्बन को इंसर्ट करना है ना, ऊपर से चाहे तो वन टू थ्री टू थ्री, जो कीटोन है, कीटोन के नीचे वाला कार्बन ये है, इन दोनों के बीच में नया कार्बन को हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में लगा देंगे, ये है नया कार्बन, जो कि नया कार्बन है, और नीचे से जाएंगे तो सेम मिलेगा। अब जो नया कार्बन है, इसमें OH कहाँ है, राइट साइड में है, तो क्या है, राइबुलोज, और ये जो नया कार्बन है, OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड, इसका नाम है डी जेलुलोज। ठीक, इस तरह से डी राइबुलोज से दो चीजें बनता है, कौन कौन से, डी पिसिकोस एंड डी फ्रक्टोज। ये है डी पिसिकोस एंड डी फ्रक्टोज, ये नया कार्बन है, कीटोन से लेकर नीचे वाला जो है ना, टू थ्री के बीच में एक नया कार्बन, ये है नया कार्बन, न्यू कार्बन, ये है राइट साइड में OH और इसमें है लेफ्ट साइड में OH। तो ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का और ये है पिसिकोस का। ठीक, इस तरह से जेलुलोज में दो मोनोसैकेराइड बनते हैं, सर्वोज एंड पेगटोज। इस तरह से न्यू कार्बन है, न्यू कार्बन, इसमें राइट साइड में OH और इसमें लेफ्ट साइड में OH, तो इनका भी नाम क्या है, ये एक सर्वोज है और डी फिक्स है, क्योंकि सेकंड लास्ट में OH कहाँ है, राइट साइड में है, सभी में सेकंड लास्ट कार्बन में, ठीक है, OH कहाँ है, राइट साइड में है, इसलिए इनका डी नाम दिया गया है, डी। ठीक है, डी है, डिन एल नोटिफिकेशन, यदि ये कहाँ होते, लेफ्ट साइड में होते तो क्या बोलते हैं इनको, एल बोलते। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ कीटो सुगर भी कंप्लीट हुआ। ये कीटो पेंटोज, ठीक है, कीटो पेंटोज, क्योंकि कीटोन भी ग्रुप प्रेजेंट है और पांच कार्बन, कीटो हेक्सोस, कीटोन ग्रुप भी है एंड छह कार्बन है, ये हो गया कीटो हेक्सोस। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ कीटोज सुगर कंप्लीटेड। थैंक।